ध्यान से देख इस चेहरे को, कैसी हो गई सफर में? लग रहा है जैसे बीमार हो गई हो। तो दोस्तों अभी जो है इसको थोड़ा बेकार सा लग रहा है, तो इसको मैं पिला रहा हूँ यहाँ पे गन्ने का जूस, जो कि देखो ये निकल रहा है, ये देखो ये निकल रहा है बोलो। भाई गन्ने का जूस निकाल रहा है, छम्मो पिएगी, वो हर दिन पीती है गन्ने का जूस। तो अभी थोड़ा थोड़ा नशा वशा आएगा हम लोग को, मतलब नशा आता है, उसमें नशा आता है थोड़ा आता है। तो भाई मौसम बन चुका है यार, पता नहीं क्या होने वाला है, अभी मौसम तो बहुत खराब चल रहा है। क्यों चमो? बहुत खराब बाकी मैं स्मार्ट लग रहा हूँ। तो अभी देखो हम यहाँ पे निकाल रहे हैं गन्ने का जूस, निपटाई दिए, देखो छर्री मार दिया उसने। और अंकित को फाइनली जो है भाई साहब निपटा चुके। तो भाई साहब देखो ये यहाँ पे जो है गन्ने का जूस निकल रहा है। भैया कैसी क्लास देते हो आप? भैया कैसे क्लास देते हो आप? ₹10 क्लास। मेरे को निपटा दिए यार। हाँ निपटेगा ही वो तो, तू क्या को जाता है पास में। तो भाई अभी हम जो है यहाँ पे फिलहाल में गन्ने का जूस पीते हैं और थोड़ा एनर्जी आ जाएगा, क्योंकि दिन भर सुबह से निकले हम लोग, लगभग हमारा 12 बजे से हम लोग का सफ़र स्टार्ट हुआ था। और अभी जो है अब 7 किलोमीटर यहाँ से दूर रह गए, तो चलो गन्ने का जूस कैसा निकल रहा है आपको बताते हैं। पहले अरे किस किस को जूस पीना है, हाथ खड़े करो। मैं भी पीऊंगा। चमो मैंने दोनों हाथ खड़े किया। जो 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 दो खड़ा करेगा उसको दो मिलेगा। क्या पिंकी नहीं पिएगी तू? पिंकी चार ग्लास ये चार। हाँ चल निकल जरा गोविंद से मांग जाओ। चार हाथ तेरे ऊपर का, तेरे को चार नहीं आठ दूंगा मैं। ये दो। तो भाई रेंडे मर जाएगी। हाँ ले चम्मो निकाल। ओ भाई ले निकाल भैया निकाल। लगा चम्मो 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 निकालोगे? निकाल। नहीं 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 हो पाएगा। घुमाना चम्मो। नहीं 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 कोशिश करो। और रे भैया कसम से बहुत खतरनाक मूवमेंट दिया ले चम्मो। तो क्या चम्मो ऐसी चार भी आती ना भैया तो नहीं कर पाती है काम। हाँ पिंटिया कर सकता है। मारा लत्ती जैसे लठ। तो भाई ये निकल रहा है जूस, गन्ने का जूस निकल रहा है। हो गया ना, मैंने पूछ लिया। जूस पीते पीते रात हो चुकी है, मैंने जैकेट पहन लिया हूँ। ये देखो अभी मैं जूस ही पी रहे हैं भाई, आधे घंटे से हम लोग जूस पी रहे हैं। ये देखो ये और बंटी भाई के इसमें खराब हो गया। कोई कोई बात नहीं, मैंने गन्ने का जूस गिरा दिया। ये छम्मो ने गिराई है और हम इस पे कल केस करने वाले सिवनी जाके। किसने क्यों गिराई? भैया ने धक्का मारे। पानी गिर गया, जूस गिर चुका है। और भाई अगर याला व्लॉग मार, अगर ऐसा कुछ हुआ कि एक अगर पार्ट में कंप्लीट नहीं हो पाया, इसके दो पार्ट बनेंगे भाई, बुरा मत मानना भाई, मजा आएगा। मैं घुसने का मन कर रहा था मेरे को। तो भाई पूरी पागल बनती हो रही है, आप देख लो हमारी टीम क्या उधर मेहनत भी करती है, उधर एंजॉय भी करती है। अब देखो आप क्या होने वाला है। मेरा भी अंगीला हो गया है भैया के साथ। ये मेरे भाई है, जात वाले हम दोनों। हाँ। दोनों श्रीवास्तव। हाँ, बनवारी काका है ना, इसको ही बना ले। दर्को, दर्को। ये देखो ये हमारे सन्नाटा जी आ गए हैं। आप क्या पी रहे हो? आप क्या पी रहे हो? जूस जूस गन्ने का। इनको ही पिला। कैसा लग रहा है? बहुत जोरदार लग रहा है भैया, पीना चाहिए यार। ये बताओ तुम 2 घंटे जूस ही पी रहे हो? इन लोगों में पिला दो भैया। अगर गाड़ी में बैठने के बाद तुमने रुकवाया ऐसा इशारा करके। नहीं भैया नहीं आएगी, कम से कम भी 200 किलोमीटर का सफर कर लूंगा उसके बाद ही आएगी। भाई बहुत बहुत पक्के इंसान है उस चीज के। पर हमारा पिकिया ना भैया गाड़ी रोको कहता है। भाई पिकिया बहुत कमजोर है भाई इस मामले में।
तो वो अभी अंदर ही बैठा है, अंदर बैठा है, लगता है उधर करते ही होगा, उधर कर। तो चलो अब भाई हम सीधे वहां पर चलते हैं यार, है ना, बहुत टाइम हो रहा है। तो भाई ब्लॉग में बने रहना भाई, जाना मत रात तक जब तक हम पूरा प्रोग्राम ना कर ले और घर ना पहुंच जाए। ब्लॉग का भली पार्ट टू बन जाए लेकिन मजा आएगा दोस्त। मोहब्बत नरोड़ी की हमारे आज के कार्यक्रम को सजाओ और मेहमान आए जरा जोर से तालियां बजाओ। मैंने यहाँ आने से पहले आप सभी की बहुत तारीफें सुना, जितने लोग हमारे वीडियो यहाँ पर देखते हैं जरा एक बार मुझे शोर करके एक बार छोरे बरघाटी बोल के बताओ तो मजा आएगा। वन मोर एक बार फिर से लेंगे, छोरे बरघाटी, छोरे बरघाटी, छोरे बरघाटी। और ये है हमारे सारे छोरे बरघाटी, एक बार खड़े हो जाओ जरा सब लोग, तालियां बजाओ। ये हमारा गोविंद भैया, एक बार ठोको जम से। और पिग्या, ये पिग्या आ जाके बटर असर में लोगों को चढ़ाता है ऊपर और सबसे बड़ी टेंशन मेरे को इस बात की है कि आ जाके गिरधारी भाव की लड़की को देखता है। और ये पिंकी बहू उधर आ ना, ये मेरी बहू है, ताली बजाओ सर एक बार। आटा इधर है, सन्नाटा इधर है। और मेरी जो पैसा लगे कितना ही मगर लड़की चाहिए बस। क्या अच्छा, एक बार राजा भाई बोल दो, लड़की चाहिए बात खत्म, लड़की चाहिए बात खत्म। और जो मेरी गर्लफ्रेंड बनती है देवपुर चैनल पे चम्मो, ये चम्मो तालियां बजाओ। और हमारा जो नंबर वन का भस्की है, यार ये है भस्की, एक बार ताली तो बजाओ पिंटा के लिए। और अब आ रही है उसकी बारी जिसे आप कहते हैं प्यार से गिरधारी, बजाओ गिरधारी काका। ये है जो हमेशा मेरे दोनों बच्चों को झेलते रहते हैं, हमेशा हमारे गिरधारी भाऊ, ये है हमारा गिरधारी भाऊ। बताता हूँ मैं आपको, जिसकी वजह से हम आप मतलब हम लोग को देख पाते हैं वो है हमारा राहुल पवार, यानी कि अंकित। कहाँ पर आ जा, इधर है तू यार, ये है। आज भी कैमरा इसके हाथ में है, हमेशा कैमरा इसी के हाथ में रहता है। एक बार तालियां बजाओ, बहुत मेहनत करता है, सबका हुआ कि नहीं। अब बात आती है कि जिनकी वजह से हम यहाँ पर आए, हमारे पवार एग्रो वाले भी आ जाइए, तो आ गए ना भैया, अज्जू भी हमारे, एक बार तालियां जितनी हो सके बजा दो। अरे बीच में क्या 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 बोल रहा है गोविंद भैया को, गाली दो ना, गाली नहीं देता यार, मेरे बेटों की बहुत इज्जत है गांव में और यहाँ तो बच जाता। अरे भैया भाऊ तो एक्चुअली वो ट्रैक्टर की गालियां हैं। एक बार फिर से बोल दो, लड़की चाहिए, लड़की चाहिए बात खत्म। अच्छा गोविंद भाई, एक बार जरा ताली बजा हमारे गोविंद के लिए। भाई आना, बाई बड़ी माय काकी सब ला मोलो, राम राम, सब बढ़िया से हो का नहीं, पर मोला नहीं लग रही से तुम्हें बढ़िया रहो। आज तुम्हारे गांव में
हमारा बड़ा अच्छा किस्मत कि मौसम भी ठंडो ठंडो एक एक बूंद पानी भी पड़ रही से, पर तुम्हें हमला ध्यान लग सुन रही से। और आज यहाँ हमें कौन को भरोसा आई से जैन मालूम से ना तुमला ना से तो ताली बजाओ अज्जू पवार और स्टार साउंड वाला सिवनी इनको माध्यम लाग आज हम यहाँ आई से जन हमारी वीडियो कसी लगा से तुमला बढ़िया। पर हमारे यहाँ की जरा सी गड़बड़ से बार बार घाव चली जासे ना एक लाइक जरा मन नहीं लगा बटा वीडियो में तुमला वा कहीं चोहे गाँव आओ मा तो तुम्हें ओला समझा देना हाँ भोजिला भोजिला हमारा जो गिरदारी काका आता ना हमारे घर बैठने इसका मेरे को उधर ही समझ आता है कुछ ना कुछ तो है अब ये खुद ही बता देगा मुंह में लगा हेलो बाबू को मेरी शादी करा देना को देखे काका भी साथ में लेके नहीं आता लड़की को मैं साथ हाथ कैसे कर रहा है बटा वैसा करते रहता है बया कहीं का इधर आ तो मैं समय के अभाव के कारण सबसे क्षमा चाहता हूँ हमारे हाँ अब बनवारी काका की बारी आ गई आप लोग पूछ के बता देना लड़की देगा क्या नहीं देता वो गिरदारी काका को मैं गिरदारी काका को बुलाता हूँ काका काका तू हमारे घर आया है पर हमारे बाबू को बाप की वजह से शांति में नहीं तो तुम दोनों भाइयों को तो कब के पेल देता मैं ऐसा कैसा गो ये बात कहता है तुम्हें ले काका ये देख भला क्या कहते हैं तेरे को देख बता भला क्या बोलती है भैया पब्लिक अरे बस रे भैया सन की है ये पागल है पागल मेरी लड़की बीए पास है और ये चौथी फाइल है चौथी फाइल अरे इधर आ रहे पिटिया तू मेरा हाथ डाला ये काका देगा कि नहीं लड़की मेरे को मैं देख लो पिटिया तेरे बाप से अच्छे संबंध करके तेरे को छोड़ता हूँ मैं हमेशा में बाबू देखना को बेकरे गोविंद तू समझा ले तेरे भाई को मैं बता दे रहा हूँ अभी से तेरे को अबे पर तू सबके सामने ऐसा कैसे बोलता है तबे मैं उससे बेजा प्यार करता हूँ इतना इतना अबे का इतना इतना बे तेरे को अकल वकल है क्या ना बे बड़ा बैल कहीं का कहीं भी क्या करा मेरे घर का आसपास भी दिखाना तो छोड़ डालूंगा अब मैं तेरे को बता देता हूँ पर मेरे किस्मत इतने अच्छे कि 3 महीने में मेरे को मेरे डायरेक्टर साहब देव पवार ये मिले इनसे मैं जाके मिला मैंने बोला भैया मेरे को आपके साथ में वीडियो बनाना है बोले ठीक है आप आ जाइए मेरे को सबसे पहला एक देव पवार चैनल पे देखना भैंस बेच के लिए कार में कार धोने का काम मिला था सबसे छोटा सीन अब इनको कुछ समझ में आया होगा जब मेरे को उनने आगे काम दिए और आज कर रहा हूँ और आज मैं इतना खुश हूँ कि साला पैसा तो दुनिया कमाती है पर मैंने 3 महीने में जो नाम कमाया वो आज तक अच्छा छोड़े नहीं कमाया और हमारे देव भैया के लिए एक बार जोरदार तालियां जिन्होंने पूरी टीम को संजोने के लिए अपना मुंबई का 50 बार भैया के पास मुंबई का काम आया लेकिन ये कभी मुंबई नहीं गए उन्होंने बोले मेरी मुंबई मेरा बरघाट है मेरा क्षेत्र है और जो क्षेत्र के कलाकारों को इन्होंने उभारा है वो इनके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है एक बार जोरदार तालियां देव भैया के लिए जिन्होंने पूरी टीम को इतने प्यार से संजो के रखा है और आज हम लोगों को आप सभी के बीच में खड़ा रहने लायक रखा है ना सन्नाटा भाई आपको भी बहुत लोग बुला रहे हैं चम्मो आप भी आ जाइए पिंटिया भाई आप भी आइए सभी लोग आ जाइए फूल खिलेंगे चमन रहेंगे तो फूल खिलेंगे और जिंदा रहेंगे तो नेक्स्ट टाइम जरूर मिलेंगे
कर लिया। बताओ सभी कैसा लगा कार्यक्रम? बहुत अच्छा। मजा आया? बहुत अच्छा। तो इन सभी एक बार थैंक यू बोल दो। थैंक यू गाइस। तो भाई हम जो भी हैं आप लोगों की वजह से हैं। और भाई बहुत प्यार मिला यहाँ पर यार, क्या सेल्फी क्या चीजें, मजा आ गया दोस्त, दिल पूरा खुश हो चुका है। चलिए अब हमारा जो व्लॉग होगा मैं आपको इसका भी थोड़ा सा आगे और बताऊँ कल मॉर्निंग में, उसके बाद हम इसको यहाँ पे एंड करेंगे। भाई जितने लोग यहाँ पे देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को, छोरे बरगाटी की पूरी शूटिंग आपको इसी में देखने के लिए मिलेगी। चलिए मिलते ब्रेक के बाद।